भयानक बारिश में हम लोग फंस गए अभी बुरे फंस गए इससे अच्छा तो घर पे बैठते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। और हमारे दोनों बच्चे आज जल्दी उठे क्योंकि उनका कुछ एग्जाम का पेपर आने वाला है और पढ़ाई छोड़ के टीवी देख रहे। मी काल सगळा अभ्यास केला, अंगत राहिला। अंगत तुझा अभ्यास राहिला? टीवी बंद कर, बंद करो टीवी बंद करो, पढ़ाई करो। चलो एग्जाम है ना, ते क्वेश्चन येणार का परीक्षेमध्ये? गुड मॉर्निंग। हे बाबा गुड मॉर्निंग। तो काय पेपर चालू आहे, सॉल्व कर दे, टाइम लावून कर सॉल्व। पण 2 तासांचा टाइम दिलेला आहे, मी 10 वाजता सुरू केलं। मग मोबाईलमध्ये काय बघते? पेपर आहे मोबाईलमध्ये। ओके, पेपर मोबाईलमध्ये आहे। हो ठीक आहे, आणि न बघता सॉल्व करायचा जेवढा तर। हां माहिती आहे मला, बिना देखे सॉल्व करने का पेपर, सो देख के नहीं सॉल्व करने का। चलो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इनका एग्जाम चालू है, घर पे बैठ के एग्जाम मजा है। अंगद देखते क्या कर रहे हैं। तो क्या चालू है, लेक्चर है का? आज टीचर्स डे, आज हमचे टीचर बनणार आहे। ओके, आज टीचर डे तर काय करतात माहिती का, मुलं टीचर बनतात आणि ते शिकवतात आणि टीचरला सुट्टी देतात, हायर ग्रेड वाले। हाँ, हायर ग्रेड वाले टीचरला सुट्टी देतात। आज टीचर्स डे है, सो हमारे सारे टीचर्स को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो भी टीचर्स होते हैं या गुरु होते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमारे लाइफ में। हमारी लाइफ को ग्रूमिंग करने का काम वो करते हैं एजुकेशनल वाइज, और जो नया जनरेशन है उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। चलो निकलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं ग्राउंड पे, है ना? ओके okay, हाँ इकड़े गया आणि तो तिकड़े गया, बरोबर। आणि मागे कीपर राहू दे। अभी हम लोग आए हमारे नेट्स और हम लोग आज कर रहे ओपन नेट्स। बच्चों ने इंसिस्ट किया कि आज ओपन नेट्स करते हैं, तो बोला चलो ओपन नेट्स करते हैं। मुझे आने को थोड़ा लेट हुआ, मैं गया था मेरा एप्पल जो है, मेरा एप्पल में रिपेयरिंग को डालने को गया था, तो वहाँ से आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो अभी वापस यहाँ से जाने के बाद मुझे एप्पल सर्विस सेंटर में जाना है देखने के लिए कि क्या उसका प्रॉब्लम है। तो अभी OnePlus 8 तो लिया है, बट एप्पल भी रिपेयर करके घर पे रखूँगा, बच्चे यूज़ करेंगे उसको। और अंगद ने आज नया बॉल लिया है और नए बॉल से स्टार्ट कर रहा है। एडम गिलक्रिस्ट लवकर चला। अभी अंगद का पेपर ऑनलाइन आया था, वो एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहा है और ये बाद में हमें स्कूल में सबमिट करना है। अंगद की आज एग्जाम है और पेपर लिख रहा है भाई, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे उनका एग्जामिनेशन पेपर आया है और वो एक फुल स्क्रिप्ट पे लिख के स्कूल में सबमिट करना है। अभी शाम के 5 बजे है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हम लोग जा रहे हैं M3 स्पोर्ट्स। किसी को बैट लेनी है, किसी को कुछ सामान लेना है, तो हम लोग जाएंगे M3 स्पोर्ट्स, क्योंकि M3 स्पोर्ट्स पे बहुत डिस्काउंट चालू है, क्लियरेंस स्टॉक चालू है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे M3 स्पोर्ट्स और अंगद का पेपर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के होना चाहिए पेपर, तो ही बच्चे लिखेंगे, घर पे बैठ के एग्जाम नहीं होगा। एंड अग्नि मेरा मुझे मोबाइल वापस दे दे। अग्नि ने मेरा मोबाइल लिया, ये OnePlus 8 Pro, मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, प्रोसेसर फास्ट है, उसका रिफ्रेश 120Hz है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, प्रोसेसर अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है सोफार। बहुत लोग बोल रहे हैं OnePlus क्यों लिया, चाइनीज़ फ़ोन है। ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, नोएडा में, और भले कंपनी अगर चाइनीज़ भी हो तो भी ये जो कंपनी है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अपने यहाँ के लोगों को जॉब मिल रहा है। अगर हम लोग सभी चाइनीज़ प्रोडक्ट को अगर बैन करना चालू करेंगे तो अपने ही लोगों का नुकसान करेंगे। अगर ये कंपनी हमसे 100 रुपया लेती है तो वो 40 या 50 रुपीज़ इंडियन लोगों में भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स इंडियन हैं। अगर हम लोग ये परचेस करना बंद कर देंगे तो वो कंपनी बंद पड़ जाएगी, कंपनी बंद पड़ जाएगी तो वो कंपनी सेटअप कहीं तो और सेटअप कर लेगी। एज ए इंडियन हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे जॉब्स जो अभी क्रिएट हुए वो निकल सकते हैं। सो ये फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, सो ऐसे कुछ भी नहीं है कि ये चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन क्यों लिया। मेरे बजट में फ़ोन है, मेरे सब रिक्वायरमेंट ये फ़ोन पूरा कर रहा है और ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो अगर मैं ये परचेस करता हूँ तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हर एक का सोचने का नज़रिया है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये हमारे लोगों ने फ़ोन बनाया है यहाँ पर, ये अगर मैं ख़रीदता हूँ तो जिससे मैंने खरीदा है वो डिस्ट्रीब्यूटर 2 पैसा कमाता है, जिस कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ पे जो वर्कर लोग हैं उनको इसका सैलरी मिलता है, एंड भले कुछ पैसा पेरेंट कंपनी लेके जाए बट उसका 50% या 40% पैसा
इंडियन लोगों को ही मिलेगा, जिसका जो टैक्सेस है वो भी इंडियन गवर्नमेंट को ही जाएगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं। चला 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 चला। अनुज नीचे आया है तो हम लोग जाते हैं अभी M3 स्पोर्ट्स में मिलते हैं। ओके अंगद। हाय अनुज। अरे वाह वाह, चला चला चला। हम लोग निकले और बारिश आ गई और एकदम जोर की आई है, तो थोड़ा रुकते हैं इधर बारिश में। 5 मिनट का फर्क पड़ा, 5 मिनट अगर होता तो हम लोग पहुंच जाते। काय तुझ्यामुळे लेट झाला, आता आपण पोहोचलो असतो एवढ्यात। हम सब लोग एक लाइन में रुके, ये पूरा ऊपर झाड़ है उसके लाइन में हम लोग ऐसे रुके हैं। यहाँ पे बारिश नहीं गिरी, बाकी सब जगह पे बारिश है। गलत मुहूर्त पे निकले हम लोग, अटक गए। 2-3 मिनट का फर्क हो गया और बुरी तरह कैसे अटक गए। अभी खड़े रहने के लिए एक शेड तो हो गई है, बट 2 मिनट में अगर शॉप में पहुँच जाते तो आधा एक घंटा तो शॉप में ऐसे ही निकल जाता, तब तक बारिश रुक जाती थी। अभी बारिश रुकेगी ऐसे लगता नहीं है। खतरनाक बारिश, भयानक बारिश में हम लोग फंस गए। अभी बुरे बुरे फंस गए बुरे। इससे अच्छा तो घर पे बैठते थे। और ऐसे तैसे कैसे करके हम लोग M3 स्पोर्ट पहुंच गए। इधर फुल वाला झालेले, मास्क पण वाला झाला माझा, मास्क ना सगळे वाले झालेले। यहाँ पे इन्होंने बैनर लगाया है, उस पे भी पानी गिरा है। जिन्होंने भी यहाँ से कुछ परचेज किया है बैट स्पेशली, उनका यहाँ पे एक बैनर लगा के रखा है। एंड ये देखो, ये अग्नि और अंगद का फोटो है जो पानी से ढका है। ये तो एसी चे एसी ने अजून थंडी वाजला है ना। फाइनली हम लोग M3 स्पोर्ट्स पहुंच गए एंड अंदर एसी है तो अंदर भी ठंड है। भयानक बारिश, अभी रुका है बारिश बट बहुत बेकार बारिश। ना पीछे जा सके ना आगे आ सके, बीच में रुक गए, बीच में पूरा गीले हो गए। रुद्र पण पावसा होता पण हा वाजला, ये तो बच गया पर हम नहीं बचे। प्रथमेश भिजवे नाला ओ नाही नाही प्रथमेश वाचला, आम्ही खूप भिजलो। अरे वॉटर व्लॉगिंग, पाणी केवढं होतं बघितलं का? हो स्विमिंग पूलच होता। वॉट करायचं ना स्विमिंग, पूल पार्टी होती, पूल पार्टी स्विमिंग। एवढं पण पाणी नव्हतं रे। वाव जीएम प्रेसिंग वगैरे मस्त आहे, बॅटचं डबल कलर पण आहे शेड, म्हणजे एक अर्धी बॅट डार्क अर्धी। GM का बैट फाइनल किया, अभी ये प्यार में पड़ गए वो GM को। बैलेंस कैसे है? 924 है ना। GM, पार्थ ने लिया न्यू बैलेंस और अंगद के लिए उसका एक बर्थडे गिफ्ट DSC। चलिए DSC का बैट है बट बहुत ही अच्छी ग्रेन्स एंड बैलेंस भी अच्छा है, तो एक ले लिया इसके लिए बर्थडे के लिए। बस 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 बस। सो मेगा शॉपिंग आज M3 स्पोर्ट्स में, तीनों के बैट, नए बैट्स। कांग्रेट्स न्यू बैलेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। चला प्रांजल, ये प्रथमेश की सिस्टर है, तू काय घेतलं?
चैंपियंस फोटो में कपड़े घेतले ड्रेस घेतले शाबाश केवड़ी मोटी रैकेट है। सो आज मेगा शॉपिंग करके हम लोग M3 स्पोर्ट्स में हमारा व्लॉग आज का खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स एज ऑलवेज बाय।